क्यों बड़बोले इमरान को, याद आया पीओके। आखिर क्यों मोदी, वो डोभाल से डर रहे इमरान। क्या वाकई मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं? पूरी दुनिया में इन दिनों इमरान खान की जग हसाई हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री को ही आईना दिखा डाला, वो भी मोदी नाम के खौफ के साथ। वैसे अगर इमरान का डर सही है तो हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है। चलिए अब जान लीजिए, एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने ऐसा क्या बोल दिया कि पाकिस्तान में उनके बयान पर बवाल छिड़ गया। इमरान खान ने कहा, जब से शहबाज शरीफ ने सत्ता संभाली है तब से पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल होता जा रहा है। रुपया और शेयर बाजार का मूल्य बढ़ रहा है, महंगाई सातवें आसमान पर है, जिसका असर सेना पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान की सेना कमजोर हुई तो हार के कगार पर चली जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान का हाल यूक्रेन जैसा ही हो जाए। पाकिस्तान की एक ही ताकत है, परमाणु हथियार, वो भी छीन लिए जाएंगे तो पाकिस्तान के तीन टुकड़े कब हो जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। भारत के थिंक टैंक बलूचिस्तान को अलग करने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। जी, इमरान को डर है कि भारत पाकिस्तान के तीन टुकड़े कर देगा। खैर, इमरान ने ये तो साफ नहीं किया कि ये तीन हिस्से कौन से होंगे, लेकिन उनका ये भारत को लेकर बयान यानी थिंक टैंक के प्रति डर कुछ और ही इशारा करता है, जिसका संकेत भारत के मोटा भाई कहे जाने वाले अमित शाह से जोड़ कर देखा जा सकता है। क्योंकि अमित शाह ने ही कहा था कि हमारे लिए कश्मीर का मतलब पीओके है। अब बात कर लेते हैं उस हिस्से की जहां के लोग खुद भारत के प्रधानमंत्री के मुरीद हैं और भारत की आंखों में वो अपना भविष्य देखते हैं। हम बात कर रहे हैं मोदी के स्वतंत्रता दिवस के लाल किले के प्राचीर से बलूचिस्तान को दिए उस बयान की। जी हां, बलूचिस्तान वासियों की आज़ादी का मसला उठाया था देश के प्रधानमंत्री ने। बोला था कि हमारी प्राथमिकता है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बलूचिस्तान को पड़ोसी मुल्क के चंगुल से कैसे बाहर निकालेंगे। ये इसलिए नहीं हो रहा कि भारत कब्जा करना चाहता है बलूचिस्तान पर, बल्कि खुद पाकिस्तान से तंग आकर बलूचिस्तान अपने आप को अलग करना चाहता है। बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन क्या कुछ कह रहे हैं, अब वो भी समझिए। बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन करीमा बलोच ने तो 2016 में पीएम मोदी से बिना किसी लाग लपेट के मदद की मांग की। करीमा ने रक्षाबंधन के दिन एक वीडियो जारी करके कहा, हम आपको भाई मानते हैं, आप हमारी आवाज बने। साल 2019 में तो नियाला कादरी ने मोदी की मूर्ति लगाने तक की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि अगर बलूचिस्तान आजाद हुआ तो सबसे पहले मोदी की मूर्ति लगेगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान की गंदी राजनीति और नीतियों की वजह से बलूचिस्तान सबसे कंगाल प्रांत, गरीबी शब्द से भी शायद छोटा पड़ जाएगा। जबकि गैस, कोयला और तांबा बलूचिस्तान में खूब है, मगर फिर भी वो कंगाल है। पाकिस्तान को एक तरह से गोद ले चुका चीन, जहां पर गवादार पोर्ट के बहाने अपने विस्तार की नींव रख रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के विरोध के चलते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा। हालांकि प्रयास उसके जारी है। आपको बता दें, बकरम खर और लास बेला को मिलाकर 1947 में बलूचिस्तान बना था, लेकिन 19 साल से आंदोलन अपने चरम पर है। चीन और पाकिस्तान मिलकर इस प्रांत को दबाने का प्रयास लगातार करते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और लश्करे बलूचिस्तान आजादी की मांग कर रहा है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस कंगाल पाकिस्तान की नैया कौन पार लगाएगा, या फिर इमरान का खौफ सच साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान तीन हिस्सों में बट जाएगा और बलूचिस्तान में भी तिरंगा झंडा लहराएगा। खैर, इस सवाल के जवाब के लिए कुछ और वक्त इंतजार करना होगा, मगर इतना जरूर है कि इमरान के दिल में आज भी मोदी का खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।